इस पूरी एंटी जमात रैंट में माय फेवरेट वाज ऑफ कोर्स गुल्लू। कश्मीर में क्या हुआ इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया, इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर। फेवरेट वाज ऑफ कोर्स गुल्लू। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ते हुए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में गोदी मीडिया ने मीडिया को चौथे स्तंभ से गिराकर एक टेंट के नीचे लगा बांस का डंडा बना दिया है। तो आज हम देखेंगे न्यूज लॉन्डर के वरिष्ठ पत्रकार इनकी कैसे पोल खोलते हैं। पहले क्लिप में हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीषा पांडे हमारे गुल्लू की मर्यादा को ताड़ ताड़ करते हुए। देश की सबसे बड़ी बहस क्या आंदोलनजीवी हानिकारक है, आज का आर पार इसी पर। वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वी हैव नॉट एडिटेड द नेक्स्ट क्लिप इन एनी वे, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड ऑन अ न्यूज चैनल। आइए नजदीक से देखिए। देख रहे हैं और रो रहे हैं। ये देखिए वकील के पोज में है, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। इट कंटिन्यूज। राजा बाबू कहाँ तक पड़े हैं? अगर आप भी हमारे तरह सोच रहे हैं कि ये राजा बाबू का सीन एक न्यूज चैनल पे क्या कर रहा है, तो ये सुनिए। फिल्म राजा बाबू का ये सीन आज उन लोगों पर फिट बैठता है जो हर मुद्दे हर आंदोलन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। न्यूज 18, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ी तो मर्यादा रखिए। यही राजा बाबू का सीन आपके एंकर पे भी बहुत सूट होता है, जो हर मुद्दे पे हर सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट बन के हर रात आ जाते हैं। मास्टर टेलर अमीश देवगन। आज सबसे बड़ी बहस 56 इंच वाला नेता कौन? फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट अमीश देवगन। बलूचिस्तान की बहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई जान मान रही है। क्राइम मास्टर गोगो अमीश देवगन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तार कहां कहां तक जा रहे हैं? राइटर इन चीफ अमीश देवगन। आखिर मंदिर के भीतर धोखे से नमाज पढ़ने के पीछे क्या मंशा है? वीएचपी स्पोक्सपर्सन। क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव ठाकरे? बजरंग दल स्पोक्सपर्सन। लव जिहाद और धोखा। एंड इट कंटिन्यूज। पीएम मोदी के समर्थन में लारे लग रहे हैं। अगले क्लिप में हम देखेंगे जब किसान आंदोलन के दौरान हमारे तिहाड़ के पीआर रेजिडेंट सुधीर चौधरी आपको किसानों के खिलाफ पुरजोर से भड़काने की कोशिश कर रहे थे और आपको खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तो कैसे मनीषा पांडे ने सुधीर चौधरी को दांतों तले चने चबवा दिए। अगर आप भी गोदी मीडिया से हमारे जितना मोह रखते हैं तो डू चेक आउट न्यूज लॉन्ड्री। When they weren't busy ignoring farmers' agitation, they were busy demonizing it. और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है। बू तो किसी और चीज की भी आ रही है सुधीर जी। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। दिस इज रियली गेटिंग वर्स देन अ रेपिटेटिव इम्तियाज अली स्क्रिप्ट। फर्स्ट फाइंड अ फ्यू लूज कैनन्स इन द ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, गिव देम फ्री पब्लिसिटी एंड देन मेक द होल प्रोटेस्ट अबाउट देम। सो जी न्यूज फाउंड दिस मैन। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक थी मोदी की छाती पे। देन दे वेंट लुकिंग फॉर अ टेरर प्लॉट। आज हमें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस सब के बाद थोड़ा विपक्ष का तड़का भी डाल दो। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। Then ask silly questions to hint at some sinister conspiracy. आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। फार्मर इंग्लिश कैसे बोल सकता है, ट्विटर कैसे यूज कर सकता है? सारे पढ़े लिखे लोग तो IT से लो जी न्यूज में बैठे हुए हैं। एंटी नेशनल एंगल भी डाल दो। राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहती हैं।
फॉरेन हैंड भी डाल दो। अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। मेक ए कम्प्लीट मिश मैश ऑफ कॉन्स्पिरसीज, शाहीन बाग भी डाल दो। शाहीन बाग वाला वेशभूषा बदल के शाहीन बाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश। नक्सल्स, नक्सली, माओवादी, माओवादी, असामाजिक तत्व, एंटी नेशनल्स भी डाल दो। ये भी बोल दो कि सारे फार्म। अरे कहाँ चले, अभी ठहरिए, हमारे गुल्लू जी की बेइज्जती अभी कंप्लीट नहीं हुई। इस क्लिप में मनीषा पांडे आपको समझाएंगी कि ये गुल्लू और गोदी मीडिया के बाकी चाटुकार कैसे सोचते हैं। पहला स्टेप, जब कोई बोलता है तो बात इनके कानों तक जाती है। सेकंड स्टेप, वो बात इनके दिमाग में प्रोसेस होने के लिए जाती है, पर दिमाग में तकनीकी खराबी के कारण वो बात इनके दिमाग तक नहीं पहुँचती और ये गुल्लू अपनी ओर से कोई नई बात का इजाद कर लेता है। News, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. नए साल में कुछ लोगों की हालत बिल्कुल पुराने साल जैसी है। तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मैं तो गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे। अमीश जी, सिर्फ यही नहीं, तुम्हें गिरा हुआ पत्रकार कहने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी है, डीमोनेटाइजेशन से भी लंबी। So, why exactly was Amish ji called niche, गिरा हुआ पत्रकार? Here's what happened. Amish ji asked the Congress spokesperson, क्या आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालें? देश की इमेज का क्या होगा? एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए, आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले? Here's what the Congress spokesperson had to say. 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं, उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। Mark her words, संविधान सुप्रीम है, जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माने ये लोग, उन लोगों को विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। मतलब इन लोगों को 26 जनवरी के दिन इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। Here's what Amish heard. कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस, कि हम चाहते हैं कैपिटल हिल रिपीट हो भारत के अंदर। जब बात में दम न हो तो सीट में उछल उछल के उंगली दिखाओ। अरे यार बस करो न्यूज लॉन्ड्री वालों, और कितनी धज्जियां उड़ाओगे हमारे मोदी जी के प्यारे पुल्लू गुल्लू की। इस क्लिप में हम देखेंगे कश्मीर फाइल के मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अभिनंदन सेकरी ने अमीश देवगन के इमोशनल प्रोपोगंडा की पतलून ढीली कर दी। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता, पर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये मूवी बनने से पहले आप सभी को कश्मीर में जो हुआ उसके बारे में पता नहीं था? अब इस पूरी एंटी जमात रैंट में माय फेवरेट वाज ऑफ कोर्स गुल्लू। कश्मीर में क्या हुआ, इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया। इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर दिया। ये बिट्टा कराटे को भारत का फ्रीडम फाइटर बना देते ये लोग। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार ने जब आजादी के नारे लगाए थे तो अमीश देवगन तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? यही नारे लगते थे कश्मीर के अंदर, हमें चाहिए आजादी, और यही नारे आज कन्हैया कुमार लगाता है जो कांग्रेस के अंदर शामिल है। कोई कहता है लखीमपुर फाइल बनाओ, कोई कहता है गुजरात फाइल बनाओ, बनाओ सारी फाइलें इस देश के अंदर, बनाओ 1947 से अभी तक जितनी फाइलें बनी है सारी खोल के रख दो, पता लग जाएगा दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। यार गुल्लू बड़ा क्यूट है यार, क्यूट, बट व्हाई डू यू शाउट सो मच? हर बात पे चिल्लाना, हर बात पे ड्रामा, हिस्टीरिया है, ये करो, ये करो, ये करो। अगर बात में दम है तो आराम से बोल, लोग समझ लेंगे। नाउ यू नो व्हेन गुल्लू सेज तथाकथित पत्रकार, तो मुझे लगता है गुल्लू अपने आप से बातें कर रहा है, मैं और मेरी तन्हाई टाइप। और अब बात आती है हमारे सबसे नीचे दर्जे के पर टॉप के चाटुकार, जिनको सिर्फ एक धर्म को नफरत करना ही आता है, जिसका नाम है सुरेश चावन के। जितनी नफरत ये बंदा अपने चैनल पर चलाता है, अगर कोई इंसान उतना अपने भगवान को याद करे तो अब तक उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस क्लिप में न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अतुल चौरसिया सुरेश चावनके की नॉलेज और इंटेलेक्ट सुनकर दंग रह गए। जैसे 2016 में ये वाकया हुआ और हम इस समय 2020 में बैठे हैं, तो वो कौन है जो जिसने अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं, ये कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरह के जो नारे लगाए जिन लोगों ने,
वो लोगों को पकड़ने की, सलाखों के पीछे भेजने की ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल सरकार की थी, दिल्ली पुलिस की थी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, एचआरडी मिनिस्टर केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। अच्छा, मैं इसका पूरा पक्षधर हूँ। तो जो जो ये आप जो इसमें जो जिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है उसने उसमें कार्रवाई ऐसे गद्दारों पे जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं हुई, और जो हुई उसमें केजरीवाल ने अड़ंगा लगा दिया। भाई होम मिनिस्ट्री ने चार्जशीट करने के लिए आखिर परमिशन नहीं दी ना, वो तो केजरीवाल के अंडर आती है। होम मिनिस्ट्री केजरीवाल, केजरीवाल के अंडर भी गृह मंत्रालय आता है, आपको शायद पता। अरे क्या ये बंदा कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री केजरीवाल के अंडर आती है? देखें जरा गूगल से पूछकर बताओ। गूगल बहन, भारत का होम मिनिस्टर कौन है? अगले क्लिप में हम देखेंगे कि ये न्यूज चैनल पर 100 से ज्यादा डिबेट्स हो चुकी हैं कश्मीर फाइल्स मूवी पर, जितनी कि शायद इन चाटुकारों ने असली कश्मीरी पंडितों के समय भी नहीं दिखाई होंगी। पर अब भी ये लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी मूवी का कोई प्रमोशन नहीं किया गया। भाई कौन से प्लेनेट से आए हो जब एक देश का प्रधानमंत्री ही मूवी की प्रमोशन में मूवी का मार्केटिंग मैनेजर बन जाए तो क्या कसर रह जाती है प्रमोशन में? हमारा भाई बहनों से निवेदन है कि विवेक अग्निहोत्री को कहें कि 200 करोड़ से ज्यादा पैसा बनाया है तुमने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर, तो उसमें से 20% कश्मीरी पंडितों की मदद पर भी लगा दो। In the film got. Check it out. There's been no traditional marketing around the film, but everyone's talking about it. There are films which are made with multi-hundred crore budgets, which are not getting the audiences, but this film has. The country calls it the year's biggest hit. इसमें emotion है, इसमें सियासत है, इसमें नफरत है, इसमें इंसाफ की गुहार है, और इसमें जुल्म की सच्ची दास्तान है। इसीलिए ये फिल्म लोगों के दिलों में उतर रही है। ये फिल्म नहीं थी, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी थी, जो कहानी नहीं थी, आप बीती थी। ये फिल्म आत्मा को झकझोड़ती ही नहीं, आत्मा को शरीर से अलग कर देती है कुछ देर के लिए। उस नक्शे पर आप जो इस वक्त नाम देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उसने ऐसे सच को बयां कर दिया है जो बहुत कड़वा है। वो इतना कड़वा है कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको दर्द होगा, और वो दर्द ऐसा होगा कि आप चीखना चाहेंगे लेकिन आवाज नहीं निकल पाएगी। 32 साल बाद एक व्यक्ति ने दहशत की कश्मीर कथा दुनिया को दिखाने की हिम्मत की है। कश्मीर में बर्फ की परतों से कुछ चीखें बाहर आई हैं। वो आज एक फिल्म से आस लगाई बैठे हैं कि शायद 32 साल बाद उन्हें उनका इंसाफ मिलेगा। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.